प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। एक जंगल में एक बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नदी बहती थी। अब उस नदी के पास जो पीपल का पेड़ था, उसी पर एक कबूतर रहता था, जिसका नाम रंगू था। रंगू को बहुत शौक था गाना गाने का। वह हर वक्त अपनी मस्ती में पेड़ पर आराम से बैठकर गाना गाता रहता था। अब रंगू को बहुत तेज प्यास लगी। वह उसी नदी में उड़कर नीचे आया और पानी पीकर फिर से जाकर अपने पेड़ पर आराम से बैठकर गाना गाने लगा। रंगू पेड़ की डाली पर आराम से बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर नदी के नीचे पड़ी। उसने देखा एक चींटी नदी में डूब रही है और अपनी मदद के लिए गुहार कर रही है, लेकिन कोई भी अभी तक उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह कबूतर बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह जंगल में हर पक्षी की मदद करता था। अब वह चींटी बहुत ही कोशिश करने के बाद भी नदी में डूबती ही जा रही थी। अब कबूतर ने जैसे ही चींटी को देखा तो वह सोचने लगा कि मैं इस चींटी की मदद कैसे करूं। तभी रंगू ने दिमाग लगाया और वह उड़ता हुआ उसी पीपल के पेड़ पर गया और उसकी कुछ पत्ती तोड़ी और पत्ती को तोड़कर नीचे फेंका और बोला, ए चींटी, जल्दी से इस पत्ती पर चढ़ जाओ। मैंने पीपल के पेड़ की पत्ती फेंकी है, तुम इस पर चढ़ जाओगी तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और वह चींटी तुरंत उस पत्ते को पकड़कर उस पर चढ़ गई और धीरे धीरे चलते चलते वह किनारे पर वह पत्ता आ गया और चींटी की जान बच गई। अब चींटी ने उस रंगू कबूतर का बहुत अधिक दिल से धन्यवाद किया। उस चींटी का बिल भी उस पेड़ के आसपास ही था। अब वह चींटी अपने बिल में वापस चली गई। अब कुछ दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। चींटी भी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तभी चींटी की निगाह उस शिकारी पर पड़ी। अब शिकारी पेड़ के पास छुपकर पक्षियों का शिकार करने की योजना बना रहा था और धीरे धीरे जाल डालने के लिए तरकीब सुझा रहा था। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा, अरे यह तो वही पेड़ है और इस पेड़ पर तो रंगू कबूतर रहता है। यह शिकारी तो इसी पेड़ पर जाल डालने वाला है। अब वह चींटी दौड़ते हुए उस पेड़ की तरफ गई। उसने रंगू को खूब आवाज लगाई, लेकिन रंगू तो अपनी मस्ती में बैठकर गाना गा रहा था और उसको इधर उधर की कोई सुध नहीं थी। अब चींटी ने काफी कोशिश तो की रंगू को बुलाने की, लेकिन वो नाकामयाब रही। उसको एक तरकीब सूझी। चींटी ने शिकारी के पास जाकर जोरों से शिकारी के पैर पर काट लिया। अब शिकारी को जैसे ही चींटी ने काटा, वे झटपटाया और दर्द से चिल्लाने लगा। अब जैसे ही शिकारी दर्द से चिल्लाया, सभी पक्षी समझ गए और उस पेड़ से झटपट उड़ गए। अब जैसे ही सारे पक्षी एक साथ उड़े, रंगू का ध्यान भंग हुआ और रंगू ने जैसे ही देखा, अरे यह तो शिकारी जाल डालने वाला था। रंगू भी पेड़ से तुरंत उड़ गया। अब रंगू ने जैसे ही उस चींटी को देखा तो कबूतर ने आकर चींटी का धन्यवाद किया और कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अब चींटी ने रंगू को कहा, नहीं रंगू, जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी
यह उससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। तुमने दिल से मेरी मदद की थी, आज वही मदद मैंने तुम्हारी की है। उस दिन के बाद रंगू और वह चींटी बहुत अच्छे मित्र बन गए। देखा बच्चों, वह चींटी या फिर वह रंगू कबूतर एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इंसानियत के नाते उन्होंने एक दूसरे की मदद की। तभी से वह दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। मित्रता वह नहीं होती कि हम किसी को जान पहचान में ही उसकी मदद करें। मित्रता वह कहलाती है कि बिना जाने पहचाने भी हम दिल से हर किसी की मदद करने को तैयार हो जाएं।